देखो एक भी बात नहीं मानी गई, 2.5-3 महीने पहले कमेटी बनाई गई थी, फिर भी हमारी एक भी बात, मतलब हमें आश्वासन दिया गया, सरकार ने कमेटी बनाई और 2.5 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या था क्या नहीं था, हमें दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। और क्या हुआ कि वापस से फेडरेशन वैसे ही रन कर रही है, उनके हल्के में नेशनल्स हो रहे हैं, रैंकिंग सीरीज हो रही है, तो कहाँ हमारी एक भी बात मानी गई? सिर्फ जो आश्वासन दिया गया था उसमें से एक भी बात नहीं मानी गई। और बस अभी इतने परेशान हो गए कि दुनिया भी ये बोलने लगी, आम पब्लिक जाते हैं, सबका भरोसा हमसे उठ गया है, सब लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने झूठा सब कुछ किया था, झूठ बोल के हमें क्या मिलने वाला है, हम झूठ बोल के क्यों बैठे हैं यार, कोई हमारा एक तो फायदा बताओ कि हम इस चीज़ के लिए बैठे हैं, हम सिर्फ अपनी रेसलिंग के लिए बैठे हैं, आने वाले फ्यूचर रेसलर्स के लिए बैठे हैं। मैम आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि कुछ एक ही कुछ परिवारवाद का आरोप लगता है कि जैसे एक फॉरवर्ड परिवार है, आप उनकी फ्रेंड हैं, तो यही लोग हैं पूरे रेसलर जो हैं, पूरा रेसलर समाज इसमें नहीं है, जैसे योगेश्वर दत्त नहीं है और भी जो बड़े नहीं। देखो मैं बताना चाहूंगी कौन नहीं है, पिछली बार कौन नहीं था, योगेश्वर नहीं थे ठीक है, सारे हमारे समर्थन में जुड़े थे, रवि दहिया से लेके दीपक पुनिया जितने भी सब ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, सब जुड़े हुए थे। और उसके बाद गलत लोगों की बातों में आके हमने धरना खत्म किया, सबका भरोसा टूट गया कि कुछ नहीं होने वाला, ना ये जीतने वाले, ना इनको न्याय मिलने वाला, इसलिए सब लोग डर के पीछे हट रहे हैं, सब लोग अपना करियर दाव पे क्यों लगाए, सबके पास थोड़ा मेडल है, सारे सब थोड़ी नौकरी पे हैं कि उनको सब कुछ मिला हुआ है और वो आगे अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, बस इसी डर से कि उनकी इतनी पावर है, सब लोग डर रहे हैं इसलिए नहीं आए हमारे साथ। और जैसा बताया मैंने कि आम पब्लिक का भी भरोसा उठा हुआ है, बस उसी भरोसे को जताने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि हम आप लोगों का समर्थन चाहते हैं, आप लोगों का सहयोग चाहते हैं, जो भी हमारे से पिछली बार गलती हुई, गलत लोगों की बातों में आके गलती हुई, राजनीति खेली उन्होंने हमारे साथ, और अब की बार ऐसा नहीं होगा, हम सबको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप सब लोग आओ और हमारा समर्थन करो। मैम आप फेडरेशन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाते हैं, उसमें क्या सच्चाई है, क्या बताना चाहेंगे? उसमें देखो सात लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है, FIR कराई है जिसमें से एक माइनर भी है, तो क्यों नहीं सरकार सुन रही है, उन लड़कियों की कौन सुनेगा, वो आगे आगे तो उनका क्या करियर रहेगा, आप खुद बताओ। क्या वो सातों लड़कियां सामने आकर बात करेंगी? मैं वही तो बता रही हूँ क्यों आएंगी वो सामने, उनका खुद की लाइफ नहीं है, छोटी है, माइनर है, तो आगे आएंगी तो आप सोच सकते हो कि पूरा जीवन उनका फिर कैसा रहेगा। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सब पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चियां हमारी ऐसे बदनाम ना हो, हमें क्या कोई पक्का पता है कि हमें हमारे बुला के हम कल हमारे जो सारी मांगे मान ली जाएंगी, लड़कियां भी आएंगी फिर भी मान ली जाएंगी, तो सब लोग अपना लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकते हैं, और वो तो एक छोटी लड़कियां हैं, उनकी इज्जत की बात है, उनके घर की इज्जत की बात है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन की बात करें तो लास्ट टाइम वृंदा कराट आई थी लेफ्ट पार्टी से, आपने उन्हें मना कर दिया कि नहीं आप मंच साझा ना करें, हमें किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए, हमारी जो मांग है वो फेडरेशन से है, हमारी लड़ाई फेडरेशन से है, क्या इस बार ऐसा होगा, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आए तो आप उनका सपोर्ट लेंगी? देखो पिछली बार बहुत बड़ी गलती हुई हमने कि लोग हमारा समर्थन करने आए और हमने मना कर दिया, अब की बार हम वो गलती नहीं करेंगे, बस ये मंच सबके लिए है, आप लोग आओ समर्थन करो। जैसा मैंने पहले भी बताया कि पहलवान एक पूरे देश का है, एक एथलीट पूरे देश का है, मेडल लाता है जब पूरा देश खुशी मनाता है, तो बस यही है कि आप लोग हमारा समर्थन करो, पिछली बार जो भी हमसे गलती हुई उसकी हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि गलत लोगों के साथ जुड़ने की वजह से हमने अपना धरना खत्म किया, आम लोगों का विश्वास हमसे उठा, पहलवानों का विश्वास उठ गया, तो बस यही है कि अब तो जब तक बैठे हैं जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। पहलवानों का कह सकते हैं सबसे बड़ा धरना है, इससे पहले ऐसा धरना नहीं दिखा गया कि रात में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट में बैठे रहें, मच्छरों में बैठे रहें, तो क्या तकलीफें हुई रात में यहाँ पे? तकलीफें तो पूरी रात ऐसे ही निकल गई, मच्छर थे वो तो आप देख ही रहे हो, पूरी रात मच्छरों ने जो भी किया है, नींद तो कहाँ आनी थी, लेकिन ठीक है स्ट्रगल है, लड़ रहे हैं, बस इसी उम्मीद में लड़ रहे हैं कि न्याय मिलेगा। बस जब तक बताया कि जो भी हमें न्याय नहीं मिलेगा, मांग पूरी नहीं होती जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।